वेलकम इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल गाइस, हम इस वीडियो में आज कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट्स एंड एन एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट। ठीक है, इस वीडियो में कॉन्क्रीट की करेंगे, प्लास्टर एंड मोर्टार के हम और भी आगे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम कॉन्क्रीट के अंदर सीमेंट की कितनी क्वांटिटी है, सैंड की कितनी है और एग्रीगेट की कितनी है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीटर क्यूब, सीएफटी एंड किलोग्राम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज आपको जानना जरूरी है, जैसे कि रेशियोज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेट करने में क्वांटिटी। तो रेशियो किस चीज का, रेशियो मिक्स का, मिक्स प्रोपोर्शन का, जो भी कॉन्क्रीट है, जैसे कि M10, M15, M20, M25, इनके रेशियो आपको पता होने जरूरी है अगर आप किसी भी चीज की क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि M10 का आपको पता है 1:3:6 है, M15 1:2:4, M20 1:1.5:3 एंड M25 1:1:2। ठीक है, ये अब इसमें क्या है, ये रेशो है सीमेंट रेशो सैंड रेशो एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि सीमेंट एक पार्ट है, M10 में देखें हम, M10 में तो सीमेंट एक पार्ट है, तो सैंड 3 पार्ट है और एग्रीगेट 6 पार्ट है। ठीक है, तो ये इनके रेशोज हैं, ऐसे इसके लिए है, इसके लिए भी यही और इसके लिए भी यही। तो ये जनरल चीजें आपको पता होनी जरूरी है अगर आप कॉन्क्रीट के अंदर क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं सीमेंट की, सैंड की और एग्रीगेट की। ठीक है, और भी दूसरी हम चीजें देख लें जो जो कि इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट में करने में, वो है आपको पता होना जरूरी है कि जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है, वेट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, किसका, कॉन्क्रीट का। ठीक है, जो हमारा कॉन्क्रीट का वेट वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा वेट वॉल्यूम जो है वो कॉन्क्रीट, जैसे मान लीजिए हमने करा 1 m³ कंसिडर करा। ठीक है, तो हमारा जो ड्राई वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम हमको कैलकुलेट ड्राई वॉल्यूम में करना होता है इनकी सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम 54% इंक्रीज होगा। ठीक है, बाय वेट वॉल्यूम, यानी कि ड्राई वॉल्यूम 54% और बढ़ेगा वेट वॉल्यूम का, है ना। यानी कि हमारा यहाँ फैक्टर, जैसे वेट वॉल्यूम मान ले 100% है टोटल। ठीक है, अगर हम उसमें 54% और इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 154%, तो वो हमारा ड्राई वॉल्यूम बनाएगा। ठीक है, यानी कि ड्राई वॉल्यूम में 54% और इंक्रीज करना होगा। तो अगर इसका हम परसेंटेज हटाएं, ठीक है, हम यहां अगर इसका 154 का परसेंटेज हटाते हैं, 154% को कन्वर्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज हटेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1.54। तो ये वैल्यू क्वांटिटी, आपको ये नंबर याद रखना जरूरी है, फैक्टर है ये वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का। तो ड्राई वॉल्यूम, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, कि ड्राई वॉल्यूम जो हमारा है वो 1.5% ऑफ वेट वॉल्यूम है। ठीक है, मतलब यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिक पता होनी जरूरी है। तीसरी चीज, डेंसिटीज, आपको सीमेंट की, आपको फाइन एग्रीगेट की और कोर्स एग्रीगेट की पता होनी जरूरी है। तो जैसा कि सीमेंट की डेंसिटी है वो है
140 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। फाइन एग्रीगेट की हम लेते हैं 1450 से 1600 के बीच में, और कोर्स एग्रीगेट की लेते हैं 1450 से 1500 के बीच में, ठीक है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैलकुलेट करें जब भी आप। ओके, तो हम यहां मूव करते हैं आगे, कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं सीधे कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि रेशो हमारा है, मिक्स हमारा है, मिक्स प्रोपोर्शन है, वो है M15, जिसका रेशो होता है 1:2:4, ठीक है, सीमेंट रेशो, सैंड रेशो, एग्रीगेट, ठीक है। अब सबसे पहले हमको कंसिडरेशन करना होगा, कंसिडर कंसिडर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ये हमारा वेट वॉल्यूम है, ठीक है, हमने वेट वॉल्यूम कंसीडर कर लिया 1 मीटर क्यूब का, ठीक है। दूसरी चीज अब एक ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो हमारा मिक्स है, जैसे कि M15 है, उसका रेशियो होता है 1:2:4, तो टोटल करना है हमको सम इनका, कि जो होगा 1+2+4, ये बनाएगा हमारा 7, ठीक है। ये चीज दो चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब आगे, जैसा कि मैंने बताया था कि वेट वॉल्यूम में हम नहीं निकालते हैं क्वांटिटी, ड्राई वॉल्यूम में निकालते हैं, तो हमको ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ड्राई वॉल्यूम का जैसा मैंने बताया था फैक्टर, ड्राई वॉल्यूम होता है 1.54 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम, ठीक है। ये 1.54 क्या है, वो मैंने बताया 54% इंक्रीज्ड है, तो उसको परसेंटेज हटाया तो पॉइंट आ गया 100 से डिवाइड करके। तो कैलकुलेट करें 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम कितना है, यहां देखिए कितना था, 1 मीटर क्यूब कंसीडर करा था, तो 1, तो क्या रिप्लाई करेगा, ये रिप्लाई करेगा 1.54 मीटर क्यूब, यानी कि हमारा ड्राई वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था, तो ड्राई वॉल्यूम 1.54, 1.54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा ये वेट वॉल्यूम था, ठीक है। तो हमने ये तीन चीजें निकाल ली है, अब हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटीज इनकी मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं सीमेंट, ठीक है, ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी निकालना है। तो सीमेंट की क्वांटिटी हम तीन चीजों में निकालेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहली चीज होगी क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में, दूसरी चीज निकालेंगे हम किलोग्राम में, और तीसरी चीज निकालेंगे हम CFT, यानी कि क्यूबिक फीट, ठीक है। तीनों चीज में पूछा है तो तीनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले क्यूबिक मीटर में निकालें, तो हमारे को इसमें क्या करना है, जो हमारा फैक्टर है, जैसे कि वॉल्यूम हमने निकाला था, यहां लिख लेता हूं मैं, ड्राई वॉल्यूम कितना निकाला था, ड्राई वॉल्यूम हमारा आया था 1.54, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम में 1.54 मल्टीप्लाई करना है सीमेंट का प्रोपोर्शन, यानी कि यहां पे सीमेंट कितना है, 1 है ना, 1 पार्ट अपॉन टोटल, टोटल क्या है, इसका हमने टोटल निकाला था, टोटल मिक्स क्या था, 1+2+4, रिप्लाई क्या करा था, 7, तो यहां पे 7 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। टोटल नीचे आ जाएगा, सीमेंट का पार्ट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम सीमेंट की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। इससे हमारी निकल जाएगी क्यूबिक मीटर में सीमेंट की वैल्यू, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.54 डिवाइड बाय 7 आया है 0.22, ठीक है, हमारा आंसर आया है 0.22 मीटर क्यूब में, ठीक है, ये हमारी क्यूबिक मीटर में आ गई वैल्यू। दूसरी चीज, अब हमें क्या करना है, केजी में निकालना है, तो हमें ध्यान रखना होगा डेंसिटी, तो मैंने बताई थी डेंसिटी में सीमेंट की कितनी होती है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो सेम चीजें हमको यही चीज रखनी है यहाँ पे, जो हमारा यही प्रोपोर्शन है क्यूबिक मीटर में मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी, या तो इसे डायरेक्ट कर लो इसमें मल्टीप्लाई, या फिर
फिर से बताऊं तो 1.54 इंटू वन पार्ट सीमेंट का है अपॉन में टोटल जितने हैं उनके रेशो का, वो मल्टीप्लाई बाय 1440 जो कि है सीमेंट की डेंसिटी। तो उससे हम किलोग्राम में निकाल लेंगे। कैलकुलेट करते हैं 0.22 तो इससे आ ही जाएगा ये, क्योंकि हम ऊपर निकाल चुके हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 1440 में तो आ गया है 316.8 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा किलोग्राम में आ गया आंसर। तीसरी चीज सीएफटी, सीएफटी यानी कि क्यूबिक फिट। तो हमें क्यूबिक फिट का क्या करना है, देखिए क्यूबिक फुट फिट निकालेंगे हम। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि जो भी, तो आप क्यूबिक फिट में अगर निकालें तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ बैग्स किसके, सीमेंट के, वो कैसे निकालें। ठीक है, तो आपको देखें पता है वन बैग ऑफ सीमेंट कंटेन्स 50 kg। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि 50 किलो होता है एक बैग में सीमेंट के, स्टैंडर्ड है। तो नंबर ऑफ बैग्स हमको निकालना सबसे पहले आना चाहिए कि नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालें। तो देखिए ये कौन सी यूनिट है, किलोग्राम, किलोग्राम में हमने निकाला ना, तो इसके इसी वैल्यू का यूज करेंगे हम इस किलोग्राम का। तो देखिए 1 m³ का हमने कैलकुलेट करा है ना, 1 m³ में हमने निकाला है कि 31 m अगर 15 रेशो है तो 316.8 किलोग्राम सीमेंट लग रही है। तो कितने बैग्स लगेंगे, तो सीधा सिंपल प्रोसेस है जनरल मैथ से, जो 316.8 है उसको डिवाइड करें 50 kg एक बैग से, तो उससे नंबर ऑफ बैग्स निकल जाएंगे। तो डिवाइड करते हैं 316.8 डिवाइड बाय 50, यहां पे हमारा आ गया 6.336 बैग्स, 6.33 बैग्स। ठीक है, ये हमारे बैग्स आ गए। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम बैग्स कैसे निकालें। तो हमने मीटर किलोग्राम में निकाला, उससे बैग नंबर ऑफ बैग निकल गए 1 kg, 1 bag ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 50 kg के थ्रू। अब देखें सीएफटी निकालना है ना, तो हम 6.336 का यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बैग्स इज इक्वल टू 6.33 नंबर्स। ठीक है, मतलब 6.336 बैग लगे हैं 1 m³ में। ठीक है, m15 रेशो का। तो सीएफटी, तो सीधा सिंपल मैं आपको बताऊं, सीएफटी को अगर निकालना है तो हमें नंबर ऑफ बैग्स में मल्टीप्लाई करना होगा एक फैक्टर, जो फैक्टर है 1.226। ठीक है, अब मैं ये 1.266 क्या है, कैसे आया, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। बाकी आपको अगर सीएफटी निकालना है तो नंबर ऑफ बैग्स मल्टीप्लाई बाय 1.226 से करना है, और ये क्या है कैसे आया वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो कैलकुलेट करते हैं 6.33633 ले लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1.226, इससे क्या रिप्लाई आया, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। 6.33 मल्टीप्लाई बाय 1.226 7.77 CFT, यह हमारी सीएफटी में भी वैल्यू आ गई, क्या आई है 7.77। ठीक है, तो हमने तीनों चीज में क्यूबिक मीटर में निकाल ली, किलोग्राम में निकाली एंड क्यूबिक फीट में भी निकाल ली, जिस चीज में भी वो पूछे सामने वाला तो आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरी चीज ले लेते हैं हमारी इसी मिक्स में, किसकी निकालना है, सैंड की। ठीक है, तो हम सैंड के निकालते हैं, सीमेंट से चेंज करके हम सैंड ले लेते हैं, उनको भी इसी तीनों चीजों में निकालेंगे। ठीक है, अब हम सैंड पे आ जाते हैं, यहां पे हम सीमेंट हटा देते हैं, सैंड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सैंड को भी तीन चीजों में क्यूबिक मीटर में निकालें। तो सबसे पहले मैंने जैसा सीमेंट का निकाला था वैसे ही निकालना है। तो देखिए क्या था, 1.54 जो था हमारा ड्राई वॉल्यूम था, मल्टीप्लाई में जिस चीज की भी निकाल रहे हैं उसका रेशियो, उसका प्रोपोर्शन। तो सैंड का कितना, यहां सैंड 2 है, 2 अपॉन में टोटल प्रोपोर्शन,
यानी कि 1 + 2 + 4 जो कि हमारा आया था 7। ठीक है, तो 7 ले लिया, है ना। कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.54 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7, हमारा रिप्लाई आया है 0.44। तो 0.44 मीटर क्यूब क्यूबिक मीटर में आ गई वैल्यू। दूसरी चीज केजी में करना है तो अब इसमें डेंसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताई थी डेंसिटी का वेरिएशन कि इसका सैंड का होता है 1500 से 1600। ठीक है, तो हम 1500 मान के ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज, ये सेम इसमें मल्टीप्लाई, या तो डेंसिटी कर दो या तो वापस से कैलकुलेट करो। 1.54 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 7, ये चीज तो सेम रहेगी। या तो आप 1.44 में भी मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट डेंसिटी तो आपका आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसे लिख के भी कर सकते हैं ज्यादा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो डेंसिटी हम 1500 मान लेते हैं, 1500 से 1600 के बीच में होती है। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 0.44 मल्टीप्लाई बाय 1500 तो हमारा आ गया 660 किलोग्राम्स। ठीक है, ये हमारी आ गई केजी में वैल्यू। तीसरी चीज सीएफटी, अब देखिए सीएफटी निकालना है तो सीएफटी में भी सेम यही चीज है, मतलब 1.54 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7, ये चीज तो रहनी है तीनों में। अब इसमें एक फैक्टर इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, वो आपको ध्यान रखना है। वो फैक्टर है 35.3147, ये भी कहां से आया आपको बताऊंगे जरूर वीडियो में, इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वही 0.44 यानी कि इसका वैल्यू तो 0.44 ही है ना, हमने ऊपर निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 35.3147, आंसर आ गया है 15.5। ठीक है, ये हमारा आ गया सीएफटी में। तो आपको ये फैक्टर जो है ध्यान रखना है, बहुत जगह यूज होगा बहुत सारी चीजों में। तो 35.3147 आपको मल्टीप्लाई करना क्यूबिक फीट में, ये कन्वर्जन है। ठीक है, जैसे कि इसका कन्वर्जन मैं बता दूं आपको, सीधा सीधा ध्यान रखना है 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब उसको अगर सीएफटी में कन्वर्ट करना हो ना तो क्या करना होता है, 35.3147 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये वीडियो में बता दिया मैंने आपको, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.3147 सीएफटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे तीनों चीज हमने सैंड की भी निकाल ली, अब यही तीनों चीजों से हम एग्रीगेट का यूज कर लेते हैं, एग्रीगेट की वैल्यू क्वांटिटी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ सैंड हटा देते हैं, यहाँ पे हम एग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्रीगेट का निकाल लेते हैं हम, तो एग्रीगेट का भी क्यूबिक मीटर में निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग, 1.54 जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है मल्टीप्लाई प्रोपोर्शन एग्रीगेट का 4 है अपॉन में टोटल 7 था, कैलकुलेट करते हैं 1.54 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7 तो आ गया है 0.88, 0.88 मीटर क्यूब वैल्यू आ चुकी है। अब केजी में निकालना, यहाँ पे भी डेंसिटी पता होनी चाहिए, तो मैंने बताया था 1450 तक इसकी एग्रीगेट की डेंसिटी होती है। तो हमें सेम चीजें 0.88, मतलब चलो आपको उससे बता देता हूँ, डायरेक्ट केजी में डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, 1.54 × 4/7 सेम थिंग यही आ गई मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो हम यहाँ पे 1500 कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताया था वेरिएशन, उसके अंदर से हमने 1500 ले ली। तो कैलकुलेट करेंगे इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1500 से 1320 kg, ये हमारा आ गया केजी में एग्रीगेट की M15 में क्वांटिटी। अब सीएफटी में निकालना है, तो सेम थिंग वही है जो मैंने सैंड में निकाली थी, यानी कि 1.54 × 4/7, ये तो चीज तीनों में सेम आनी है, हर चीज में देख रहे हैं हम, मल्टीप्लाई वाला फैक्टर जो मैंने बताया था 1 मीटर क्यूब को सीएफटी में कन्वर्ट करने का, यानी कि आप डायरेक्ट इस वाली वैल्यू में भी अगर उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा 35.3147। मल्टीप्लाई करते हैं 0.88 में 35.3147, वैल्यू आ गई हमारी
31.07 CFT, तो हमारा CFT में भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही हमको निकालना है अलग अलग रेशो के लिए। वहीं अगर एम दूसरा रेशो दे देते हैं तो यहाँ पे 1:3:6 हो जाएगा, तो 1 बस मल्टीप्लाई क्या यहाँ चेंज होगा ना, प्रोपोर्शन टोटल में होगा और एक यहाँ पे चेंज होगा, सीमेंट का क्या प्रोपोर्शन है, सैंड का क्या प्रोपोर्शन है, एग्रीगेट का क्या प्रोपोर्शन है, बाकी प्रोसेस यही रहेगी। तो आपको सबसे तीन चीजें मैंने ध्यान रखनी है, तो डेंसिटी, दूसरी चीज रेशो, क्या रेशो है, क्या प्रोपोर्शन है, और तीसरी चीज जो है मैंने फैक्टर बताए थे मीटर क्यूब को CFT में कन्वर्ट करने का। और जब हम CFT सैंड का निकालते हैं तो नंबर ऑफ बैग्स में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो था 1.226, उसका भी मैं आपको बताऊंगा वो कहां से आया, उसका डेरिवेशन है, उसका कन्वर्जन है, वो कैसे आया वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे इस वीडियो में हमको बता दिया है कि हम कॉन्क्रीट में सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की कैसे निकालते हैं, ऐसे ही हम प्लास्टर की भी निकालेंगे, उसकी प्रोसेस भी देखेंगे और मोर्टार की भी देखेंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करें जो न्यू है इस चैनल पे, और रिक्वायरमेंट्स भी फीडबैक में डालें कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, जितना पॉसिबल होगा हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो पे यहीं ख़त्म करते हैं, आगे आपके लिए और लाएंगे वीडियो मोर्टार प्लास्टर के, और वो जो फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो कैसे आए वो, और भी चीज़ें ब्रिक्स पर भी देखेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमसे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम्स ऑफ नॉलेज।